भाई बीती चंद ने सतयुग तो लैके बड़िया बड़िया अवतारा के नाल भी पिछलिया समय में बड़ी भारी सेवा की, उदों भी ऐसे ऐसे ही कार्ज किए सी, जिमें कि समण बुरज विचों घोड़े कढ़ के लियांदे, यह काम कोई आम बंदा नहीं कर सकता। और महाराज ने वचन किया भाई बिधि चंद जी नूं करामात नहीं दिखाउणी, बस सानूं पता कि तुहाडे उत्ते बख्शिश है, गुरु अर्जन देव जी की ब्रह्म ज्ञान भी है। भाई साहब जी ने अपने दिमाग दे नाल ही ये सारे कार्ज किए ने, तो भाई बिधि चंद ने कोई करामात नहीं दिखाई। इस करके छेवें पातशाह महाराज ने यह बात विच जिहड़ी बख्शिश कीती सी, विधिया छीना गुरु का सीना, नाम रंग मैं सदा ही भीना, भाई बिधि चंद जी ने वचन किया सी मंगो की मंगदे हो, तीजे वचन विच उन्होंने कहा सी महाराज जी जो आप जी नूं चंगा लगता वह दे दिओ। फिर सतगुरां ने वचन किया सी सानू सब तो चंगा लगता है वाहेगुरु, वाहेगुरु बख्शिया, नाम बख्शिया। और इत्थे तक भी ये वचन महाराज ने संगत नूं कीता भाई बिधि चंद जी बारे, मैं जिवें आ गया जे हाल देखिया उच्चा वड्डा सारा स्थान अते वड्डे वड्डियां सब चीज़ां, ये इस करके ने कि भाई बिधि चंद जी नूं एक वचन होया सी, वह ये वचन सी कि भाई छेवें पातशाह ने वचन किया सी कि भाई बिधि चंद जी विच ते साडे विच हुण कोई फर्क नहीं है, जिहड़ा भाई बिधि चंद दे दर्शन करेगा सो मेरे दर्शन होणगे। तो इस करके जिवें महाराज ने अपने सहुरा साहब नूं आ जदों शादी होई सी सतगुरु महाराज की, द्वारा जी उन्हां दा नाम सी, वह कहिंदे सी महाराज जी हुण कदों आओगे वापस, छेवें पातशाह नूं कहण लगे सी, महाराज जी कहिंदे हुण जंगां जोधां दा समां पता नहीं हुण किधर नूं जाइए, कीरतपुर साहब वल जाना सी महाराज जी ने। उस वक्त सतगुरों ने कहा जिहड़ा ये टाली दे दर्शन कर लेगा सो साडा दर्शन मन्निया जाएगा, गुरु साहब का वचन वड्डा हुंदा। सो भाई बिधि चंद जी दे उत्ते कृपा की, भाई बिधि चंद मेरा ही रूप है, जिन्होंने दर्शन कर ले उन्होंने मेरे दर्शन कर ले। सो साध संगत अंतम समय से भाई बिधि चंद ने सुंदर शाह फकीर जी नाल कीते हुए वचना नूं सफला किया, उत्थे जा के अपना शरीर त्यागया। सो मेरा कहण तो भाव जदों छेवें पातशाह ने वचन किया कि भाई बिधि चंद साडा ही रूप हन, ऐसा एक सतगुरां कोल जिवें सिख ने ढाके तो आया सी, भाई मोहन नामे सिख सी, जिवें छेवें पातशाह अगे श्री अकाल तख्त साहब के अगे खड़ के हथ जोड़ के गल च पला पा के बेनती की सी महाराज आप कृपा करो मेरा मन नहीं टिकदा। सतगुरु जी कहने धन भाग तेरे, वो बैठ गया, फिर उठ के आया, कहन लग्या महाराज मेरा मन नहीं टिकदा, सतगुरु कहिंदे धन तेरे माता पिता। फिर आया उठ के, महाराज जी मेरा मन नहीं टिकदा, सतगुरु कहिंदे धन है तेरा पिंड तेरा इलाका धन है, बई तेरिया कुलां भी धन है। कहिंदे पातशाह मैं समझ नहीं सकिया ये वचन की है, आप जी कहिंदे हो तू धन है, तेरे माता पिता धन है, तेरा पिंड धन है। सतगुरु जी कहते दुनिया के 99 बंदियां नूं यही नहीं पता कि मेरे अंदर मन भी है, ये चंगा शुक्र है तैनूं पता लग गया तेरे अंदर मन है और टिकदा नहीं। तो जिहड़े बंदे नूं सोझी हो जाए कि मन नहीं टिकदा तो वह बंदा मन नूं टिका भी लैंदा। सो इस करके भाई बिधि चंद जी नूं जिहड़ा वचन होया सी साध संगत कि तू मेरा रूप है, दो तरह का जीवन आपां जिउंदे आ, जिवें भाई बिधि चंद ने ज्योया, भाई लाल चंद ने ज्योया, भाई जथेदार बाबा गुरदयाल सिंह ने ज्योया, बाबा हुकम सिंह ने ज्योया, सो बाबा इस प्रकार ज्योण सिंह ने ज्योया जीवन, बाबा जो जसपत सिंह जी ने जीवन ज्योया, इस तरह बाबा सोहन सिंह जी बिधि चंद के महापुरख जिन्हों असी सारे ने दर्शन भी किए आपने, तो उन्होंने अवस्था बारे भी सारे जानते ने, बाबा दया सिंह जी जिन्होंने अपने आप नूं लुको के रखिया, हालां बाबा सोहन सिंह जी कई चीज़ां प्रगट कर गए सामने, पर बाबा दया सिंह जी ने अपने आप नूं प्रगट नहीं किया। ब्रह्म ज्ञानी महापुरख होए ने बाबा दया सिंह जी,
ते बाबा अवतार सिंह जी ये भी नहीं अपने आप नूं कदे प्रगट करनगे, क्योंकि बाबा अवतार सिंह जी जिहड़ी ये साध संगत टकसालां दी जथेबंदियां दी अगे दस्तार मिलती है ना, ये पिछले कई जन्मों की कमाई का सदका ही मिलती है, एक जन्म का सदका नहीं हुंदा है। तो इस करके जदों भी बाबा अवतार सिंह जी नूं मिलते हैं, सो जिवें दास ने संत ज्ञानी करतार सिंह नूं पुछया सी खालसा महापुरशां नूं भी ये रामपुर खेड़े वाले बाबा हरनाम सिंह जी कोल सी बचन कर सकते हैं जा सकते हैं सानूं आग्या, ते संत लंबे पए सी रामपुर खेड़े ते उठ के बैठे हो गए। मैनूं कहिंदे हाँ भाई इन्हां दा रस संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा जिन्ना। तो साध संगत जी वो चीज़ बड़ी मैं नोट की, बाबा अवतार सिंह जी नूं जद मिलते हैं एक खुशबू हुंदी है महापुरख की। दास ने जिंदगी दे विच कितने ब्रह्म ज्ञानियों की संगत की है, वह चीज़ सिर्फ उत्थे ही हुंदी है जिथे ब्रह्म ज्ञान हुंदा। जिस भी महापुरख कोल जाके जो खड़दे सी जे संतां ने कहना अज सारी रात घुटना बई सेवा करनी, अज बाबा जरनैल सिंह जी खालसा ने एक बार कहा अज सारी रात घुटना, पर जिहड़ा वह चरण चापी करन दे विच रस आउंदा सी जबान विच, वह साध संगत एक ब्रह्म ज्ञानी महापुरखां दे कोल खड़िया बैठिया सेवा कीतियां ही आउंदिया। तो एक बार दास संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले महापुरखां कोल जाके खड़ गया, साध संगत ऐसी बिरती जुड़ी कि किन्नी देर तक तो आपकी सोझी नहीं रही, मैं समझिया भी ये महापुरख ने। जदों पहली बार दास ने उन्हां दे दर्शन किए सी तां उन्हां महापुरखां ने मैनूं यही पुछया सी बाबा जरनैल सिंह जी खालसा दी की अवस्था सी, मैं कहा बाबा जी दास नूं तां कोई पता नहीं, बेशक पता सी भी कित्थे तक पहुंचे हुए सी उह। तां बाबा जी मैनूं कहिंदे भाई सत्तवीं भूमिका दे मालक सी उह। सो साध संगत सत्त भूमिका ब्रह्म ज्ञान दियां, तो इस करके जिहड़ी बाबा दया सिंह जी विच इह अवस्था सी गुप्त रूप दे विच, कई बार बाबा जी नाल दूरों भी बचन होने फोन ते जां इक सिंह आउंदा हुंदा सी उहने बचन करने, उहनां दे बचनां विचों ही पता लग जांदा सी कि महापुरख पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी ने। बाबा अवतार सिंह जी दे उत्ते बहुत कृपा, साध संगत जदों मिलदे हैं सारे दुनिया विच इहनां दी सारे यही तारीफ करदे है। अज भी संगतां नूं पता सी दास ने इत्थे आउणा, कईआं ने फोन ते बचन कीते ते कईआं ने वैसे कहिंदे बाबा अवतार सिंह जी जदों भी मिलदे आ बड़े प्यार नाल मिलदे और बड़ी निम्रता। साधु विच वड्डी चीज़ की हुंदी है, साधु विच वड्डी वड्डा गुण जे तुसीं साधु दी परख लैणी, निम्रता बड़ी वड्डी चीज़। जे निम्रता तां साधु है, जे निम्रता नहीं तां उह साधु नहीं है। तो इस करके बाबा अवतार सिंह जी बड़ी निम्रता है, जदों मिलते ने बड़े प्यार नाल मिलते ने, तो इन्हां दे प्रेम का सदका, इन्हां दी कमाई का सदका, इन्हां दे हर प्रकार की सेवा जिवें इन्हां ने बचपन तो लैके कीती है। अगे भी कई बार दास ने सुनाया 9 साल की उम्र सी बाबा जी जदों लोह लंगर दे उत्ते सेवा करन लगे सी, पेड़े बनाने प्रसादे, सानू पता लगता रहिंदा सी मैते भी बाबा अवतार सिंह जी बहुत सेवा कर रहे, भचंगी ने बाबा दया सिंह जी दे। मैं कदे दर्शन नहीं सी कीते, आ कई साल पहले ही साडा मिलाप होया। इस करके साध संगत जी इन्हां दी सेवा, इन्हां दी निम्रता, बाबा दया सिंह जी वर्गी इन्हां विच्चों खुशबू आउंदी है। और वह महापुरख ये एक वड्डी चीज़ ये हुंदी है कि जिहड़ी दो तरह की जिंदगी जिउणी है। जिन्हें मैथों पहला गुरमुख प्यारे बोल के गए ने उन्होंने कई इशारे किए ने, आप पदार्थवादी हैं, आप पैसा इकट्ठा करते हैं। साध संगत जी जिहड़ा बंदा शरीर नाल जुड़िया वह तो पैसा ही इकट्ठा करेगा, वह तो पदार्थ गड्डियां मोटर कारा होर चीज़ा मोबाइल ते आ चीज़ा इधरली उधर इकट्ठिया करेगा। जिहड़ा बंदा आत्मा नाल जुड़िया, वैसे जिहड़ा सिख नूं जिउण दा हुक्म है वह आत्मा विच रह के जिउण दा हुक्म है, क्योंकि आत्मा की सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने जी व्याख्या की है, जो नर दुख मैं दुख नहीं मानना, सुख स्नेह और भय नहीं जाकर कंचन माटी मानना, नह निंदया न उसत जाकर लोभ मोह अभिमाना, हरख सोग ते रह न्यारो नाह मान अपमाना। धन धन बाबा सोहन सिंह जी, तुहानू पता सारिया पुराणियां नूं जदों 71 की लड़ाई लगी है, 65 की लड़ाई लगी है, बाबा जी बग्गी ते जाके बॉर्डर दे उत्ते छोले बणदे गुड़ बणदे फौजी वीरां नूं,
किसी ने कहना बाबा जी तुहानू गोली वज जूगी, कहने शरीर का की मोह है, ये शरीर कि रहने हुण सेवा करांगे इन्हां दी। इस करके साध संगत जिहड़ा आत्मक जीवन जिउंदा वह आत्मक वस्तुआं कट्ठियां करदा, वह नाम नूं इकट्ठा करदा, नाम धन संच नाम धन पूज सतगुर, इस करके वह नाम धन नूं इकट्ठा करदा। यह धन खुट नंद खुट्टै ना जाए पूरा सतगुर दिया दिखाए। जिहड़े शरीर नाल प्यार करदे ने वह शरीरक सुखां नूं इकट्ठा करदे ने, शरीरक पदार्थां नूं इकट्ठा करदे ने। इस करके ये सारी संपर्दा दे बारहवें मुखी इस वक्त बाबा अवतार सिंह जी, बारह मुखी होए ने सारे हुण तक। तो इस तरह साध संगत सारे मुखी चढ़दी कला वाले महापुरख अज तक सारे ब्रह्म ज्ञानी होंदे आ रहे हैं। तो सारे महापुरखों के चरणों ते नमस्कार है। छेवें पातशाह महाराज ने कृपा की है, ये मूल रूप दे विच पंजवें पातशाह की कृपा भाई विधि चंद जी दे उत्ते। ये जदों भी जिस दिन भी गुरपुरब आवे, अज तुसीं जो देख रहे हो साडे कोल अज जो कृपा है, ये गुरमुखां दी सलाहां नाल ही भी असीं हुण की करिए। किसी गुरमुख ते बड़ी कृपा सी, उन्हां तों मैं हौली हौली जा के पुछदा रहना लैंदे रहना। वह कहिंदा ज्यादे कृपा लैणी, मैं कहा कहिंदा फिर गुरु नानक साहब दे गुरपुरब ते केसी इशनान करके देग बना के तड़के 2 बजे बह जी, आ 5 माला कर ली। मैं क्या गुरपुरब का खास फल हुंदा, कहने जिन्ना आप सवा महीने च लैंदे आ इन्ना कि एक गुरपुरब ते ही मिल जाता आपां, क्योंकि उस दिन सचखंड के दरवाजे ऐ सारा दिन सारी रात खुले ही खुले ही गफे वरतदे हुंदे। उदन तो केवल जिवें कल सी गुरु साहब का, जिन्होंने केवल दरबार साहब जाके मत्था टेक लिया इशनान कर लिया, उन्होंने ही पता नहीं की कुछ खट लिया। उदन गुरु साहब की कृपा हुंदी है। माघी वाले दिन श्री मुक्तसर साहब बड़ी कृपा वरदी हुई। तो इस करके विधिया छीना गुरु का सीना। एक बार एक सिंह दर्शन होए थे 6वें पातशाह दे, ये गल्लां साडे कोल ही हुंदियां, तुसीं कहोगे ही नहीं मिलते इह जे, आ भी सानू ही मिलते हैं। महाराज के नाल भाई विधि चंद भी सीगे, बड़े सादे जे लिबास च रहिंदे, सीधे सादे, बड़ा सोहना सुभाग ने भाई विधि चंद। महाराज जी कहिंदे ये साडा सीना है, भाई विधि चंद है भाई साडा सीना है भाई। तो इस करके जे 9वें पातशाह का नाम लेना तो भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी, भाई सती राम जी, वह नाल ही रहिंदे उन्हां दे। भाई विधि चंद जी 6वें पातशाह दे, महाराज ने कहा सी भाई विधि चंद के दर्शन मेरे दर्शन ने, मेरा रूप है।